हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिक्स चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ रक्त परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड थ्योरिकल वीडियो एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हल कराए गए हैं और डेली बेसिस से मैं आपको प्रैक्टिस कराती रहती हूँ। तो दोस्तों, बेहतरीन तैयारी के लिए मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। तो रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का वजन कितना होता है। तो दोस्तों, हृदय का जो वजन होता है 250 से 300 ग्राम यानी या 300 से 350 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराएं यानी वेन्स रक्त को किस ओर ले जाती हैं। तो जो सिराएं यानी वेन्स होती हैं, वह रक्त को संपूर्ण शरीर से हृदय की ओर ले जाती हैं। जो यह अशुद्ध रक्त होता है, जो हृदय के दाएं भाग यानी दाएं अलिंद में इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा के द्वारा दाएं अलिंद में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है। तो रक्त का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन व पोषक तत्वों की सप्लाई। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि रक्त में जो आरबीसी होता है यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा ही ऑक्सीजन का परिवहन संपूर्ण शरीर में होता है और पोषक तत्वों का सप्लाई होता है रक्त के द्वारा संपूर्ण शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली वाहिनी को कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी यानी पल्मोनरी धमनी। इस जैसे कि दोस्तों, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, वह है पल्मोनरी आर्टरी यानी पल्मोनरी धमनी, जो अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है फेफड़ों के पास शुद्ध होने के लिए, फिर शुद्ध होकर के पल्मोनरी सिराओं के द्वारा बाएं अलिंद में आती है। सिराओं में तो अशुद्ध रक्त बहता है, बट पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में तो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो हृदय की बाहरी परत को पेरिकार्डियम बोलते हैं एंड यह हृदय जो होता है तीन परतों से मिलकर बना है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। एपिकार्डियम को पेरिकार्डियम भी बोला जाता है क्योंकि एपिकार्डियम जो बाहरी परत है वो पेरिकार्डियम के तीन परत से मिलकर बना होता है और जिसमें सेरस नामक द्रव भरा रहता है जो हृदय की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि में एक मिनट में कितना रक्त प्रवाह होता है। तो थायराइड ग्रंथि में एक मिनट में 3.5 से 6 एमएल रक्त प्रवाह होता है। नेक्स्ट है, हृदय की अंदरूनी परत को क्या कहते हैं। तो हृदय की अंदरूनी परत को एंडोकार्डियम बोलते हैं, जिसके अंदर चार चेंबर होते हैं, दो अलग दो नीले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी धमनी महाधमनी यानी एरोटा होती है, जिससे होकर के समस्त शरीर में रक्त को बांट दिया जाता है यानी प्रवाहित कर दिया जाता है धमनियों के अलग अलग भागों में, भागों से। नेक्स्ट है, हृदय में कितने चेंबर यानी कक्ष होते हैं। तो हृदय में चार कक्ष होते हैं, ऊपर के दो कक्ष दो अलिंद होते हैं, नीचे के दो कक्ष दो निलय होते हैं। नेक्स्ट है, हृदय की परतों के बीच कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है। तो दोस्तों, हृदय की परतों के बीच सेरस नामक पदार्थ भरा रहता है जो हृदय को बाहरी आघातों से रक्षा करती है। नेक्स्ट है, राइट वेंट्रिकल एंड राइट ऑर्टिकल के मध्य कौन सा कपाट यानी कि वाल्व पाया जाता है। राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय
राइट आर्टिकल, राइट और वेंट्रिकल एंड राइट आर्टिकल, यानी कि दायां अरिंद और दायां नीले के बीच कौन सा कपाट होता है दोस्तों, तो ट्राइकैस्पिड कपाट होता है। कौन सा कपाट होता है? ट्राइकैस्पिड। इसमें तीन दरवाजे लगे होते हैं इसलिए उसको बोला जाता है ट्राइकैस्पिड। और वही पूछेगा कि बाएं अरिंद और बाएं नीला यानी लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्टिकल के बीच कौन सा कपाट होता है, तो बाइकैस्पिड यानी कि मिट्रल वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय तक किसके द्वारा लाया जाता है, तो यह इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा लाया जाता है। जैसे कि दोस्तों मैं रक्त परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड जो वीडियोज है उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है, जिसे देखकर आपके सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो जो रक्त शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय तक किसके द्वारा लाया जाता है, इन्फीरियर वेना कावा। और शरीर के ऊपर भाग से कौन लाता है, तो सुपीरियर वेना कावा। और कहां लाता है, तो हृदय के दाएं भाग दाएं अरिंद में। नेक्स्ट है, एक सामान्य मनुष्य का सिस्टोलिक रक्त दाब कितना होता है, तो ये होता है 110 से 130 mmHg। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है, यानी आप बोल सकते हैं 5 से 7 लीटर, यानी मिनिमम जो होता है 5 लीटर, अधिक से अधिक 6 से 7 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो दोस्तों रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त होता है फेफड़ों से। नेक्स्ट है, हृदय रक्तवाहिनी एवं लिम्फेटिक से मिलकर कौन सा तंत्र बना है, तो यह हृदय रक्तवाहिनी लिम्फेटिक से मिलकर रक्त परिसंचरण तंत्र बना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, तो हम तत्वों में बोले तो कैल्शियम कौन सहायक होता है, कैल्शियम। विटामिन में बोले तो विटामिन के, और रक्त कणिकाओं में बोले तो प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट, एंड प्रोटीन में बोले तो जो आपका लीवर में बनता है जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। इन सभी का नाम आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, तो दोस्तों रक्त में जो प्लाज्मा होता है 55 से 60% होता है। जैसे कि दोस्तों रक्त दो प्रकार का होता है, प्लाज्मा एंड रक्त कणिका यानी कि ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा होता है वो हमारे शरीर में 55% होता है, एंड जो रक्त कणिका यानी ब्लड सेल्स होता है वह 45% होता है। जो हमारा ब्लड सेल्स होता है वो 3 प्रकार का होता है, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यानी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की तरफ रक्त ले जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है, तो हृदय की तरफ जो वाहिनी रक्त को ले जाती है उसे हम कहते हैं सिराएं, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। शरीर के समस्त अशुद्ध रक्त को हृदय की तरफ ले जाती है सिराएं, और हृदय से शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है पूरे समस्त शरीर में, धमनियां। नेक्स्ट है, हृदय का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है बंद मुट्ठी जैसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति के हृदय से 1 मिनट में कितना रक्त प्रवाह पास होता है, जिसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं, तो दोस्तों लगभग 5 लीटर। कितना होता है, लगभग 5 लीटर। ठीक है, यानी 5.01 लीटर जो होता है वह 1 मिनट में हमारे हृदय के द्वारा रक्त प्रवाह किया जाता है, जिसे हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं दोस्तों। और जो एक बार में हृदय की एक धड़कन में जो हृदय द्वारा रक्त प्रवाह किया जाता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, एंड 1 मिनट में जितना प्रवाह किया जाता है हृदय के द्वारा रक्त उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो कार्डियक आउटपुट पूरा 1 मिनट में होता है 5 लीटर के लगभग, और स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 से 72 ml। में से एक सामान्य व्यक्ति का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, तो कितना होता है 70 से 72 ml। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्डियक आउटपुट का सूत्र क्या है, तो कार्डियक आउटपुट का सूत्र क्या है दोस्तों, हार्ट रेट गुणे स्ट्रोक वैल्यू।
हार्ट रेट कितना होता है हमारा 72 एंड स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.01 लीटर आएगा, तो यानी कार्डियक आउटपुट कितना होता है 5 लीटर के लगभग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एरोबिक खेल के खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है। एरोबिक खेल का मतलब दोस्तों लंबी समय की क्रिया जो करने वाला होता है खिलाड़ी, उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो होता है 120 ml। जैसे कि ऐसे ही हम साधारण स्थिति में, सिंपल स्थिति में हम स्ट्रोक वॉल्यूम 70 से 72 होता है, बट जब एरोबिक खेल जैसे जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है एक धड़कन में 120 ml होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी का खेलते समय कार्डियक आउटपुट कितना होता है। तो खेलते समय जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कार्डियक आउटपुट हमारा 5 लीटर के लगभग होता है, बट जब खेलते समय होता है तो जब उसका एक धड़कन में 120 ml रक्त प्रवाह हो रहा है तो एक मिनट में कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 22.5 लीटर के लगभग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक इंड्योरेंस स्पोर्ट्स यानी सहनशीलता वाला खेल में दक्ष खिलाड़ी का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो जो दक्ष हो गया है यानी प्रशिक्षित हो गया है एंड्योरेंस स्पोर्ट वाले में यानी लंबी समय की क्रिया वाले में, तो उसका जो हृदय धड़कन होता है वह सामान्य, एक जैसे कि आपका हृदय धड़कन जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है वो सामान्य स्थिति में, बट जो एक प्रशिक्षित खिलाड़ी है उसका हृदय धड़कन सामान्य स्थिति में जो होगा वह आपका 40 से 45 बार होगा। तो जैसे जैसे कि आपका हृदय धड़कन जितना ही धीरे धीरे मतलब धड़केगा उतना ही आप कम जल्दी थकेंगे यानी ज्यादा देर तक काम कर लेंगे, तो ये प्रशिक्षित होने पर ही होता है। कैसे होता है, प्रशिक्षित होने पर, जब जिस समय आप एक्सरसाइज करते हैं या क्रिया करते हैं उस टाइम आपका हार्ट रेट 1 मिनट में कम से कम 150 से 180 बार हो जाता है, और प्रशिक्षित हो जाने पर सामान्य स्थिति में आपका 40 से 45 बार, और ऐसे ही सामान्य स्थिति में कितना आपका हृदय धड़कन होता है 1 मिनट में, तो 72 बार, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, एक अच्छे खिलाड़ी के हृदय का भार कितना होता है दोस्तों। तो हृदय का भार हो जाता है आपका 500 से 550 ग्राम, इसलिए आराम से धड़कता है। ठीक है, ऐसे भी हृदय का भार 300 से 350 ग्राम। नेक्स्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्टिकल के मध्य कौन सा कपाट पाया जाता है, यानी कि बायां अलिंद और बायां निलय के बीच बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व होता है। कौन सा, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व होता है, वहीं पे दायां अलिंद और बायां निलय में के बीच कौन सा होता है, ट्राइकस्पिड यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व। नेक्स्ट है, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के मध्य कौन सा कपाट होता है, वाल्व होता है, सेमिल्यूनर वाल्व होता है। नेक्स्ट है, हृदय में कितने वाल्व पाए जाते हैं दोस्तों, तो 4 वाल्व होते हैं। ठीक है, 2 सेमिल्यूनर वाल्व और 1 आपका होता है दायां अलिंद निलय के बीच ट्राइकस्पिड कपाट, और दूसरा होता है आपका बायां अलिंद बायां निलय के बीच बाइकस्पिड यानी मिट्रल वाल्व। नेक्स्ट है, धमनियां यानी आर्टरीज किस प्रकार रक्त लेकर जाती हैं, तो यह शुद्ध रक्त को लेकर जाती है। कैसे रक्त को लेकर जाती हैं, शुद्ध रक्त को। नेक्स्ट है, रक्त का मुख्य कार्य क्या है, इसका कार्य होता है ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की सप्लाई, कार्बन डाइऑक्साइड को हृदय से फेफड़ों तक ले जाना। नेक्स्ट है, एनीमिया बीमारी किस कारण होती है, तो यह हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होती है, यानी रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, या कहीं रक्त की कमी दिया रहेगा तो भी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन कौन से रक्त कोशिका में पाई जाती है दोस्तों, तो यह हमारे RBC यानी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं के में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और यह ऑक्सीजन के संवहन का कार्य करता है यानी ऑक्सीजन को समस्त शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है, साधारण व्यक्ति में औसतन जैविक क्षमता यानी वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, तो वाइटल कैपेसिटी जो होता है वह औसतन जैविक क्षमता जो है 4600 ml यानी कि 4.6 लीटर होता है, तो यहाँ पे 4 से 5 लीटर दिया है। नेक्स्ट दोस्तों, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का अंतर क्या कहलाता है, तो यह
इसके दोनों के बीच के आंसर अंदर को हम कहते हैं पल्स प्रेशर। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो यह हमारे समस्त शरीर में ऑक्सीजन का संवहन यानी परिवहन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है हृदय की सबसे मोटी मांसपेशी कौन सी होती है, तो सबसे मोटी मांसपेशी सबसे आंतरिक परत यानी कि तीसरी परत जो होती है एंडोकार्डियम होती है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में हीम तथा ग्लोबिन से क्या तात्पर्य है, तो इसमें हीम से तात्पर्य है आयरन एंड ग्लोबिन से तात्पर्य है प्रोटीन, यानी आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायनिलय के संकुचन के द्वारा जो रक्त एरोटा यानी कि महाधमनी में बलपूर्वक प्रवाहित होता है इस रक्त के दबाव को हम क्या कहते हैं, तो इस रक्त के दबाव को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जब बायनिलय में रक्त मिट्रल वाल्व यानी कि बाइकैस्पिड वाल्व के रास्ते बाय अलिंद से रक्त बायनिलय में आता है उस दौरान रक्त का दबाव जो धमनियों पर घट जाता है इसी न्यूनतम रक्तदाब को हम क्या कहते हैं, तो इस न्यूनतम रक्तदाब को हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। यानी कि जब हमारा रक्त शरीर की तरफ जाता है बायनिलय से एरोटा यानी महाधमनी में, तो उस टाइम जो रक्त का दबाव आपके महाधमनी पे पड़ता है उसके दीवारों पर, तो उसको हम सिस्टोलिक रक्तदाब कहते हैं। और जब बाएं अलिंद से बाएं नीले में रक्त आता है तो उस समय धमनियों पर कम दबाव पड़ता है, तो उसके दबाव को हम डायस्टोलिक दबाव कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया कीजिए और डेली बेसिस पे बेहतरीन तैयारी के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।